आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने लगे हैं या फिर सिलेबस के लिहाज से और जहाँ से आपका सिलेबस शुरू हो रहा है, सक्सेशन वाला टॉपिक है और उसकी वर्डिंग में सक्सेशन, स्टेबिलिटी, चेंजेस इन इकोसिस्टम, बहुत से मतलब अल्फाज मौजूद हो सकते हैं मैं जस्ट सिलेबस की वर्डिंग को बता दूँगी। जी हेडिंग यही है जी, सक्सेशन स्टेबिलिटी, कम्युनिटीज ड्यूरिंग सक्सेशन, इकोसिस्टम चेंज ड्यूरिंग सक्सेशन, मैक्सिमम सक्सेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ये पूरा चैप्टर है जी। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मैंने इंटरेस्ट का इस्तेमाल किया है, डिपेंड करता है आपको अपने माहौल से इंटरेस्ट है कि नहीं है। इकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और जाहिर है कि इंसानों के लिहाज से, एनिमल्स और प्राण हर किसी के लिहाज से बहुत ही खास उम्मीद का। अब देखना यह है कि आप इससे किस हद तक वाकिफ हैं। मैट्रिक में इसका जिक्र था, इंटर में भी ये एक क्वेश्चन की शक्ल में मौजूद था। अगर वो बैकग्राउंड आपके जहन में है तो फिर हम इसको मजीद आगे डिटेल से ले जा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर मुझे पहले तमाम बेसिक डेफिनेशंस आपको बतानी पड़ेंगी और फिर उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। क्या आप मुझे को बता सकते हैं कि आपके जहन में सक्सेशन के हवाले से कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है वो भी हैं? जी एक बार में एक कक्षा आप कुछ कहना चाह रही हैं सर? जो हमने अभी तक पढ़ा सक्सेशन का वो ये है कि सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं। नहीं, आपने मैं कह रही हूँ सक्सेशन की जो डेफिनेशन हमें पढ़ी है वो ये है कि इसमें कंटिन्यूअसली और स्लोली चेंजेस होते हैं और फिर कम्युनिटी में आपकी बात ठीक है। सर, इसमें कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में जो है ना वो टाइम के साथ साथ चेंजेस आती हैं। चलो ये तो हो गया, आपने डेफिनेशन की तरफ इशारा कर दिया कि इसकी डेफिनेशन है ये ऐसे। मैं ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने इसको सिर्फ इंटरवल तक पढ़ा हुआ है या उसके बाद किसी का भी इसका जिक्र आया है, क्योंकि दरमियान में सेमेस्टर्स बहुत से हैं, बहुत से सब्जेक्ट थे। सर हमारी बॉटनी में इसका था। किस साल तक, एक चैप्टर क्या तक ही होगा सर? ये सक्सेशन वाला टॉपिक ना मुझे याद है कि हमने सेकंड सेमेस्टर की बॉटनी में या मेरा ख्याल थर्ड की बॉटनी में हमने सक्सेशन वाला टॉपिक पढ़ा। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं ना कि वो चैप्टर की शक्ल पर था या क्वेश्चन की शक्ल पर था, मैं वही देखना चाह रहा हूं कि आपने किस सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। नहीं, टॉपिक था एक उसमें चैप्टर। इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं बहुत डिटेल डेफिनेशन जो है वो सिर्फ मुख्तसर तौर पर रिवाइज करूंगा और फिर आगे इसकी हम डिटेल्स की तरफ जाएंगे। और ये आप लोगों ने चेक भी करना है, इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कौन से क्वेश्चन आए। नोट कीजिए, किसी भी जगह पे टाइम के साथ, जगह ज़ाहिर एनवायरनमेंट बात हो रही है, माहौल जहाँ पे हम रहते हैं, इंसान रहते हैं, जंगल है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, कोई भी जगह है, वहाँ पे टाइम के साथ साथ क्या चेंज आ रही है। और अगर चेंज की हम बात करें तो ये चेंज कम्युनिटी के अंदर क्या चेंज है और जो वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर हैं, जो जमीन है, जो पानी है, हवा है, अगर उसमें कोई चेंज आ रही है तो वो क्या है। एक तो चेंज क्या आ रही है और हम ये भी देखेंगे ये चेंज क्यों आ रही है, इसको भी देखा जाएगा, स्टडी किया जाएगा। इसमें जैसे कि आप जानते हैं फैक्टर दो किस्म के हैं, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स, दोनों इंटरलेट हैं, तभी इकोसिस्टम बनता है। और ज़ाहिर है कि जो चेंज जब हम कहेंगे फ्लां जगह पे चेंज आई है तो उसका मतलब यही होगा कि इकोसिस्टम के अंदर चेंजेस आ रही हैं और उसके रीजन भी देखेंगे वो क्या है। ये था जी तारफ सक्सेशन के हवाले से। याद रखिए कि इंसान ज़माना कदीम से चीज़ों को नोट करते थे, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सुन लीजिए कि एक होता है चीज़ों को नोट करना, आपने कुछ चीज़ देखी, नोट की। अब कुछ लोग चीज़ों को गौर करते हैं और फिक्र करते हैं, लेकिन वो अपने आप तक महदूद रखते हैं, वो उसको ना तो रिटर्न फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, ना उसको नेक्स्ट जनरेशन को उसके कुछ बताते हैं कि ये ऐसे है या ऐसे। अगर ऐसा तो जिस बंदे ने नोट किया वो सारा कुछ ज़ाया हो। ज़माने कदीम में ज़ाहिर के सबसे उर्दू का लफ्ज़ है मुसन्नफ़, राइटर। ज़माने कदीम के बहुत से राइटर्स ने कुछ चीज़ें जो नोट की वो उन्होंने किताबों में अपने पॉइंट आउट कर दी और उनका रिकॉर्ड मिल जाता है, जितना आता है ना बंदे ने ऐसा रहा था, या जो टीचर हम पढ़ाते वक्त वो किसी चीज़ को अगर स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं किसी चीज़ को याद करके इनपुट भी कर, ये ज़माना कदीम की आता है। लेकिन अब पिछले आप कह लीजिए तो 100-200-300 साल कह लीजिए या कम अज़ कम लीनियस के ज़माने से कह लीजिए 1736, उससे ऑनवर्ड साइंस ने जो तरक्की की है वो इस बेस पर की है कि ना सिर्फ साइंटिस्ट ने अपनी किताबें लिखी हैं बल्कि फिर बाकायदा साइंसी रिसाले और उन चीज़ों को बाकायदा आप कह लीजिए ऑर्गेनाइज कर। बहरहाल
बहुत से लोगों ने जो भी किया काम किसी भी जगह पे कुछ और उनको नोट किया, तो इस तरह से हमारे पास हिस्ट्री में बहुत से ऐसे वाकयात मिलते हैं कि कहाँ पे किस बंदे ने कौन सी चेंजेस का मुशाहदा किया और उसको राइट डाउन भी कर दिया ताकि बाद में लोग उसको चेक कर सकें, देख सकें। और इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, हिस्ट्री फैसला आप खुद उसको चेक कर सकते। हम सिर्फ टॉपिक्स की तरफ, अपने जो टॉपिक है जो मेन हमारे जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उसी को डिस्कस करूँगा। सेकेंड, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन की तारीफ के बाद, सक्सेशन की बेसिक दो टाइप्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन उस जगह पे होती है जहाँ पे नया सबस्ट्रेट पैदा हो चुका है, मैंने सबस्ट्रेट का इस्तेमाल किया है, सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेटम का कुछ भी इस्तेमाल किया जाता है, ये लफ्ज़ आपके लिए नया हो सकता है। मैं इसकी मिसाल देने लगा हूँ, वो मिसाल आपके लिए मुश्किल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, आप बताएंगे। अपने जहन में कंसेप्ट लाएं कि आप समुंदर को स्टडी कर रहे हैं, समुंदर के अंदर रिजेस मौजूद हैं, जीर जमीन पहाड़ रिजेस, दोबारा गौर कीजिए, मैंने कहा है समुंदर में रिजेस हैं जो असल में समुंदर के पानी के नीचे ऊपर से नजर नहीं आ रहे हैं, पहाड़ हैं, बस कीजिए समुंदर 2 किलोमीटर गहरा है और पहाड़ 1 किलोमीटर गहरा है, उधर वो आपको नजर नहीं आ सकता, बहुत गहरा है। सेकेंड, उनमें से कुछ आतिफिशां वुल्केनो, जब वुल्केनिक एक्टिविटी होती है तो जो जीरे जमीन जीरे समुंदर जो पहाड़ मौजूद है रिच है उस पर अगर वुल्केनिक एक्टिविटी होगी तो लावा निकलेगा, जैसे निकलेगा वो स्प्रेड होगा साइडों पे और वो जम जाएगा, चूंकि पानी मौजूद है फौरन उसको जमा देगा। ऐसे होते होते अगर वुल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती जाए तो एक स्टेज आती है कि वो जो रिच थी जो समुंदर में नीचे डूबी हुई थी वो समुंदर की सरफेस तक पहुँच जाती है जहाँ पानी का लेवल, और अगर ऐसा हो जाए उसके मजीद लावा निकले तो वो जगह हमें दूर से नजर आना शुरू हो जाएगी समुंदर में कि यहाँ पे, और देखने में वो हमें लगेगा जैसे एक जजीरा है, वैसे तो पहाड़ की चोटी है लेकिन वो एक जजीरे जैसा बन जाए और वो मजीद बड़ा देखता है। समुंदर में बहुत से जजीरे इस तरीके से बने हैं वुल्केनिक एक्टिविटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, क्या आप समझते हैं कि व्हाट आर टेक्टोनिक मूवमेंट्स, क्या आप टेक्टोनिक मूवमेंट से वाकिफ हैं? आपकी बात कट गई है, दोबारा आपने कुछ बोला है, दोबारा बोलिए। मैंने कहा जब जलजला या अर्थक्वेक सर आता है तब तब इनका नाम सुना है, टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक हो गया, सही है। पर आपने कम से कम ये तो सुना है कि दुनिया में 7 बर्र-ए-आज़म है, दुनिया में 7 बर्र-ए-आज़म है। बर्र-ए-आज़म वो जगह है जो खुश्की के टुकड़े हैं और ज़ाहिर ज़मीन का ज़्यादा ऐसा समुंदर है और उसमें वो कुछ खुश्की के टुकड़े मौजूद हैं जिन्हें वो कॉन्टीनेंट्स कहते हैं। कॉन्टीनेंट्स में ऊपर नजर आ रहे हैं, नीचे जो अर्थ क्रस्ट के नाम से पहले से वाकफ है, अर्थ क्रस्ट में निचली साइड के ऊपर भी ज़ाहिर है कि ज़मीन है, सॉल्ट ज़मीन है, चूँकि पानी तो सिर्फ 10 किलोमीटर मैक्सिमम गहराई तक है जो समुंदर के पानी की बात हो रही है, बाकी जगह पर ज़ाहिर है वो ज़मीन है। पर इसके नीचे स्पेसिफिक प्लेट्स हैं जिन्हें मैं प्लेट टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब वो मूव करते हैं तो वो मूवमेंट टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहलाते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जलजले आते हैं। ये मूवमेंट मुख्तलिफ में हो सकती है। ये भी टॉपिक जियोग्राफी का है, मैं भी इसकी अब डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने आपको बता दिया जैसे। या देखिए कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स के नतीजे के तौर पर जमीन के प्लेट्स की हरकत हैं, जो नीचे प्लेट्स हैं, अगर वो कोई ऐसे जगह पर मूवमेंट हो रही हो तो वहाँ उससे भी ऐसा होता है कि रिज ऊपर आ जाती है और ऊपर आ जाए तो ज़ाहिर है ऊपर आ गया तो वो जजीरा बन जाए। याद रखिए समुंदर में जजीरों की 2 टाइप्स किए हैं, एक वो जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, दूसरे वो जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से किसी रिज का ऊपर आने की वजह से बने हैं। ये मैंने 2 बेसिक टाइप जजीरों के बयान कर दिए हैं, तीसरे कोरल रीफ्स हैं जिससे आप पहले से वाकिफ हैं, आपने पढ़ा होगा। बहरहाल ये थे जी जजीरे, ये जिनका जिक्र मैंने किया ज़्यादा छोटे साइज़ के जजीरे हैं, बड़े वाले नहीं, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वो उस लिहाज से, वैसे तो अगर डेफिनेशन देखें जजीरे के वो भी जजीरा बनता है लेकिन वो खासा बड़ा है और सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ऐसे ही अगर ग्रीनलैंड को देखें एरिया के लिहाज से वो खासा बड़ा है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन क्योंकि बर्फ़ है इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत थोड़ी थोड़ी है। पर मडागास्कर को देखें तो ये पहले अटैच था अफ्रीका के साथ, सेपरेट हो गया और जजीरा बन गया, बहुत बड़े साइज का है। श्रीलंका
مختلف ٹائم پہ کبھی اٹیچ رہا ہے اور کبھی سیپریٹ بھی رہا ہے انڈیا کے ساتھ, انڈیا مطلب انڈیا کا لوور پورشن ہے دکن والا اس کے ساتھ. پر یہ چند چھوٹے پارٹس تھے جو کہ ریلیٹڈ تھے سمندر کے اندر. پاسبل ہے کہ مختلف وجوہات سے ایک جزیرہ بن جائے, اور جب جزیرہ وہ جو بنا ہے جو نیچے سمندر سے پہاڑ مٹی یہ سب اوپر نکلا ہے, وہاں پہ پہلے کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے, کوئی پودے نہیں ہے. اس طرح کے واقعات جو پچھلے تقریباً 100-150-200 سالوں کے درمیان میں ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں نے ان کو مانیٹر کیا اور چیک کیا کہ وہاں پہ ٹائم کے ساتھ کیا چینج آتی ہے, اور وہ چینج ریکارڈڈ ہے, جیسے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اسٹڈی کریں گے اس کو. یہ پرائمری سکسیشن کی ایک مثال ہے. سیکنڈ, پاکستان سے پاکستان میں آنے والا مشہور و معروف زلزلہ جس نے کشمیر اور کے پی کے کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا آپ کے بچپن کا دور, 8 اکتوبر کے نام سے مشہور و معروف ہے. جو زلزلہ مشرف کا دور حکومت تھا اور اس میں کافی کچھ ہوا, وہ بات کا مسئلہ ہے, لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کشمیر کے علاقے میں کے پی کے میں بہت زیادہ افیکٹ ہوا, بہت زیادہ ایکسیسو لینڈ سلائڈنگ. اب پہاڑ موجود ہے, پہاڑ پہ درخت ہیں, پودے ہیں. جب شدید زلزلہ آیا تو وہ درخت سب گر گئے, جو پتھر تھے اور جو مٹی تھی وہ سلپ ہو کے نیچے چلے. اب وہ جہاں سے سلپ ہو کے آئی وہاں پہ خالی جگہ, بالکل خالی مٹی رہ گئی, یہاں پہ کوئی پودے نہیں. اب ایک ایسی جگہ جہاں پہ پہلے وہ چونکہ اوپر سے ساری ساری سرفیس غائب ہو گئی ہے, نیچے سے گہری سرفیس مٹی کی نکل آئی ہے, مٹی یا پتھروں کی, جہاں پہ کوئی پودے نہیں, اب وہاں بھی یہ پروسیس ہو رہا ہے. اور چونکہ وہاں پہ انوائرمنٹ بہت اچھی ہے, وہاں پہ بہت تیزی ہو رہا ہے. یہ سیکنڈری, یہ بھی پرائمری سکسیشن, یہ بھی پرائمری سکسیشن ہے, کیونکہ وہ جگہ نیا سبسٹریٹ ہے جہاں پہ ایسا ہو. اس کا اپوزٹ میں نے ایگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جنگل کاٹ دیتے ہیں, آپ جس جنگل کاٹ کے چھوڑ دیں, وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ دوبارہ پودے گرو ہونا شروع ہو جائے گا, وہ سیکنڈری سکسیشن ہے. یا بس کہ آپ نے جنگل کاٹ کے کھیت بنایا تھا, اس کے بعد آپ وہاں پہ کچھ گرو کرنا بند کر دیں, تو کچھ ہی عرصے میں وہاں پہ آپ کو بہت سے پودے ہوئے نظر آ جائیں. ایسی جگہ جہاں پہ پہلے پودے تھے اور کسی وجہ سے وہ پودے اگنا بند ہو گئے, تو وہاں پہ آہستہ آہستہ کچھ اور پودے گرو ہو جائیں گے. یہ سیکنڈری سکسیشن کی ایگزامپل. سیکنڈری سکسیشن میں میں ایک ایگزامپل اور دوں گا. یہ ایگزامپل کس ریفرنس سے ہو سکتی ہے جی؟ آپ کے آس پاس کہیں پہ جہاں بھی کوئی نئی اسکیم بنتی ہے رہائش کے لیے, اس کے وہ لوگ پلاٹ بناتے ہیں, پلاٹ بنا کے بھیج دیتے ہیں. وہاں پہ کچھ جگہوں میں تو لوگ گھر بنا لیتے ہیں, کچھ پلاٹ کو لوگ خرید کے رکھ لیتے ہیں کہ جب ریٹائر ہوں گے یا جب پیسے ہوں گے تو ہم گھر بنا لیں. اگر آبادی کے درمیان میں کسی جگہ پہ ایسا خالی پلاٹ موجود ہو, تو آپ کو وہاں بھی کچھ پودے اگے ہوئے نظر آئے, اور ظاہر سارے جنگلی پودے ہوتے ہیں. اب ظاہر وہ خود کسی نے اگائے, وہ خود خود اگتے ہیں, کیسے اگے ہیں یہ ہمارا ٹاپک ہے, لیکن وہاں بھی جو چینج آئی ہوتی ہے وہ بھی سیکنڈ سکسیشن. اگر وہاں پہ پہلے سے کچھ پلانٹیشن, کچھ چیزیں, کچھ جاندار موجود تھے اور چینج, ایک پوائنٹ اور رہ گیا سوری, یہ پوائنٹ ہے جنگل میں آگ. جب جنگل یا گراس روٹ میں آگ لگ جاتی ہے, تو اس کے بعد آگ لگی, بہت سے درخت جل گئے, گھاس جل گئی, پودے جل گئے, جو ڈرائی میٹر تھا وہ بھی جل گیا, اور آخر کار وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ چینجز کا عمل شروع ہوتا ہے اور نیو ویجیٹیشن پیدا ہونا شروع کرتی ہے اور پیدا ہو بھی جاتی ہے. پہلے یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے, یہ سب کچھ تھا سکسیشن کے حوالے سے, ٹائپ سکسیشن کے حوالے سے. پرائمری اور سیکنڈری سکسیشنز کو میں نے بیسکلی آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب اس میں کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے سکسیشن ہوتی ہے؟ فیکٹر چونکہ بہت طرح سے, اس میں ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس لفظ سے واقف ہیں کہ نہیں واقف. Do you know what is anthropology? What is anthropology? anthropology. کیا سمجھتے ہیں anthropology کیا چیز ہے؟ چلیں کیا آپ اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ Do you know yourself? جی دوبارہ بولیے ذرا اونچا بولیے جی. آپ ہیومن سوسائٹی اینڈ, چلے ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کسی ایک خاص ریفرنس سے محدود کر دیا. یاد رکھیے انسان اور انسان کے لحاظ سے ہر چیز کی اسٹڈی اینتھروپولوجی میں آ جاتی ہے. چلے اب میں ایک لفظ اور بول رہا ہوں, لفظ ہے اینتھروپوجینک. کیا یہ لفظ بھی پڑھا کسی نے؟ واٹ از اینتھروپوجینک؟
चले सुन लीजिए, एनवायरनमेंट में वो चेंजेस जिनकी वजह इंसान खुद हो। अब जंगल में आग की बात पहले भी हुई थी, या देखिए जंगल में आग ज्यादातर इंसान लगाते हैं, खास जानबूझ कर लगाएं या बगैर सोचे समझे लगा दें, और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा, उसका जो सस्टेन प्रॉब्लम होगा घर के, वो एंथ्रोप हो जाएगा कि इंसान बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया में इस वक्त, बल्कि सबसे बड़ा फैक्टर इंसान हो गया है जो कुछ हो रहा है दुनिया में, जिस तरह से हो रहा है उसके लिहाज से बात करनी है। ये था जो हमारा एक पॉइंट, एक फैक्टर मैन, मैन मेड चेंजेस। हम हर चीज को चेंज करते जा रहे हैं। मैं एक मिसाल देने लगा, थोड़ी सी मिसाल, सब लोगों ने मोटरवे देखी हुई है, क्या आप समझते हैं मोटरवे के बनने से एनवायरमेंट पे कोई फर्क पड़ा है? लोगों पे तो पड़ा ही पड़ा है, एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ा? देखिए कोई बताता है, मैं से पूछता हूँ। मोटरवे अक्सर शहरों में जी चलेगा क्योंकि गाड़ियां चलेंगी, मोटरवे शहरों से भी गुजरती है, जिसकी वजह से जब गाड़ियां चलेंगी तो उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल इंक्रीज करेगा, नॉइस पोल्यूशन भी, और दूसरा उसके उससे निकलने वाले हाइड्रोकार्बन, अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी एनवायरनमेंट में शामिल होंगे। आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। याद रखिए कि मोटरवे तो बनाई ऐसे गई है कि शहरों से ज़रा ज़्यादा फासले पे गुजरे, शहरों के करीब नहीं है ये। अगर ये शहरों के करीब होती तो वाकई वही होता जो आपने कहा है। ये मोस्टली देहाती इलाकों से होती है, इसके आसपास वेजिटेशन, इसके आसपास से किसी भी जगह पे करीब करीब कोई शहर, सॉ लाहौर से निकली है या शिवपुरा के ज़रा करीब से गुजरी है वगैरह ना। इससे अगर आप आगे जाते हैं तो इस्लामाबाद तक, शिवपुरा से आगे जाते हुए इस्लामाबाद तक, इसके आस पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने ये म्यूट किया जिसके बावजूद कहीं से म्यूजिक आ रहा है जी, अब मुझे नहीं समझ आ रही है म्यूजिक कहाँ से आ रहा है। मैंने ये दो बार तमाम माइक्स म्यूट किए हैं, और इरसा का माइक ऑन था खास तौर पर जो मुझे नजर आ रहा था जी। ये वाला पॉइंट जो आपने बताया है, आप उसको पोल्यूशन से ले गए हैं, मैं एनवायरमेंट पे और एनवायरमेंट पे कुछ और सोचे जहाँ से गुजर रही है, शिवपुरा से आगे चले हैं, देखें कि इससे क्या फर्क, कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा एनवायरमेंट। चले मैं खुद बता देता हूँ जी, अगरचे अब हमारे यहाँ सैलाब आना बंद हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि बारिश है, जब होती है तो बारिश का पानी भी सैलाब की तरह से फ्लो हो सकता है। इस इलाके में जहाँ पे हम कहते हैं पंजाब का मेन इलाका है सेंट्रल पंजाब, यहाँ तो कदरे कम चांसेस हैं अब फ्लड्स आना, बहुत ही कम हो गए उसके अदर वजूहत हैं, लेकिन केपी की वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स अभी भी आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्यों बंद हुए हैं, अब ये फिर पॉलिटिकल मसला बन जाएगा। वो जो पाकिस्तान इंडिया का माहदा था, सिंथास माहदा, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। उसने अगर ये कहा जाए पाकिस्तान की मईशत को बहुत तक तबाह कर दिया है तो ये बात गलत नहीं होगी, और साथ साथ उसने हमारी इकोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। मैं उसको इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बयान कर रहा हूँ। याद रखिए जो इस बहुत ही अहम चीज़ है वो ये कि इस ट्रीटी के मुताबिक कुछ दरियाओं का पानी जिसमें सतलुज, ब्यास और रावी शामिल थे, टोटल इंडिया को दे दिया गया था, बाकी पाकिस्तान के पास। लेकिन उसमें जो ऐसी शरायत थी, ऐसी अहम करना शरायत पे गवर्नमेंट ने साइन किए, उस दौर की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसी भी दौर की हो इस तरह की चीज़ें चलती ही रहती हैं। हम लोग आम लोग यही कहते हैं अयूब खान बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो माहदा किया गया है वो इतना अहम काना माहदा है। अब उसकी शर्त में यह भी शामिल था कि अगर पाकिस्तान या कोई मुल्क अपने हिस्से का पानी को यूज़ नहीं करता, दूसरा उस पर डैम बना सकते हैं और डैम बना के पानी को रोक के इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने चूँकि बहुत अरसे में डैम बनाए हैं, सवाए इधर मंगला डैम एक बना था और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम डैम नहीं बनाया गया। कालाबाग डैम पिछले 40-50-60 सालों से गलत बनाना बना रहे हैं, उसको नहीं बनाया और सियासत की नज़र कर दिया, रिजल्ट क्या निकला? इंडिया ने चनाब और झेलम के ऊपर बहुत ज़्यादा डैम बनाए, और ये सारे के सारे इसमें से ज़्यादा वो हैं जो मुशर्रफ के दौर में बनाए गए। मुझे अपने बचपन का दौर याद है, दरिया चनाब, चूँकि दरिया चनाब मैंने बचपन से देखा हुआ है, दरिया चनाब में हर साल सैलाब आता था और खासी दूर तक इंदिरा से निकल के कई किलोमीटर के फासले तक दोनों साइड उसका पानी स्प्रेड होता था, फैलता था।